बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीतापुर से सामने आ रही है कमलापुर इंस्पेक्टर द्वारा धमकी देने से युवक को पड़ा हार्ट अटैक। आनंद फानंद में युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते ही युवक की हुई मौत। बड़ी खबर इस वक्त की है, इंस्पेक्टर द्वारा SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की दी गई थी धमकी। इंस्पेक्टर पुष्पराज कुशवाहा द्वारा रमेश यादव निवासी ग्राम जैतरपुर को बुलाया गया था थाने। इंस्पेक्टर ने बंद कमरे में बुलाकर सुलह करने का बनाया था दबाव। सुलह न करने पर पूरे परिवार को थाने खींचने की दी थी धमकी। इंस्पेक्टर के कमरे, आपको बता दें, इंस्पेक्टर के कमरे में ही युवक को पड़ा अटैक। एक दिन पहले ही रमेश यादव के भतीजे से गाँव के ही अशोक नामक व्यक्ति से हुई थी मारपीट। मारपीट में रमेश का भतीजा पुनीत हुआ था बुरी तरह जख्मी। अशोक आदि ने मिलकर पुनीत को सोते हुए पर किया था जानलेवा हमला, जिसमें पुनीत हुआ था बुरी तरह जख्मी। पुनीत की भी हालत गंभीर है। पुनीत के परिजनों ने थाने में दिया था प्रार्थना पत्र। परिजनों का आरोप है बक्शियों से 25,000 की घूस लेकर इंस्पेक्टर ने चाचा रमेश को थाने बुला कर दी धमकी। सुबह PRB के दरोगा ने भी कहा था अगर एप्लीकेशन दोगे तो तुम्हारे पर दर्ज होगा SC ST एक्ट। पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना कमलापुर का। इंस्पेक्टर ने थाने बुला कर दी थी धमकी। एक बार फिर यूपी में खाकी पर लगे दबंगई के आरोप। यूपी पुलिस सरकार की उम्मीद पर फेर रहे पारी। अधिक जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी फोन लाइन पर मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला। जी प्रशांत जी, बताइए क्या है पूरा मामला। वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सटे हुए सीतापुर जिले में पुलिस की गुंडई सामने देखती नजर आ रही है, जहाँ पर कमलापुर इंस्पेक्टर द्वारा धमकी देने पर युवक को पड़ा हार्ट अटैक। और आनंद फानंद में युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कसमंडा ले जाया गया। जी, जहाँ पर इंस्पेक्टर द्वारा SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की दी थी धमकी। इंस्पेक्टर जो कमलापुर है पुष्पराज सिंह कुशवाहा, उनके द्वारा रमेश यादव निवासी ग्राम जतनपुर को बुलाया गया था थाने पर। जी, जहाँ पर 307 जैसे मामले में FIR पंजीकृत कराई थी रमेश के भतीजे ने, उसी को सुलह करने का दबाव बना रहे थे इंस्पेक्टर कमलापुर। उसमें परिजनों को क्या कहना है प्रशांत जी? परिजनों का कह रहा है कि हमारे परिजनों का आरोप है विपक्षी द्वारा 25,000 रुपए की घूस लेकर इंस्पेक्टर चाचा रमेश को बुलाकर दी थी धमकी। रमेश को बुलाकर धमकी दी जा रही है इंस्पेक्टर के द्वारा। जी, एक बार फिर यूपी सरकार में खाकी पर लग रहे कई गंभीर आरोप। धन्यवाद प्रशांत अवस्थी जी तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।